नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। आज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के बसा मिर्जापुर पंचायत के बिशनपुर गांव से, जहां पर स्कूल के प्रांगण में ही बड़ा सा कार्यक्रम रखा गया है और स्वर्गीय उमाकांत चौधरी के 89वें जन्म जयंती पर यह समारोह मनाया जा रहा है। उनके इस स्थल को, प्रतिमा स्थल को फूलों की माला से सजा दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुंदन चौधरी और उमाशंकर चौधरी, ये सभी लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, सामने देख सकते हैं ये है अजय चौधरी उर्फ प्रोफेसर विनय चौधरी, जो बेनीपुर के विधायक भी हैं। इन्होंने सबसे पहले माल्यार्पण किया है, इसके बाद कुलपति आते हैं, उसके बाद बैजनाथ चौधरी आते हैं, उसके बाद सभी कार्यकर्ता नेता सभी लोग इस वक्त यहाँ पर आकर माल्यार्पण करते हैं। समाज, शिक्षा और संस्कृति के प्रति समर्पित थे प्रोफेसर उमाकांत चौधरी, ऐसा कुलपति ने कहा है। सादगी, ईमानदारी तथा संघर्ष के प्रति मूर्ति थे उमा बाबू, कुलपति ने कहा है। उमाकांत चौधरी जी के पद चिन्हों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा कुलपति ने कहा है। जीवन में शिक्षा का अहम स्थान है। समाज के निर्माण तथा सामाजिक संरचना के निर्माण में शैक्षणिक स्तर का ऊंचा होना आवश्यक है। उमा बाबू एक शिक्षक के होने के साथ साथ कुशल समाज सेवी तथा बहुयामी व्यक्तित्व के सुलझे हुए राजनेता भी थे। ये देख सकते हैं सीता देवी का स्वागत किया जा रहा है, शिक्षिका ने स्वागत किया है। बता दें कि ईमानदारी, सादगी, त्याग और सहिष्णुता जैसी आंतरिक गुणों को समाहित कर शिक्षा, समाज और अपनी लोक संस्कृति के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी तथा आधुनिक समाज सेवियों को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मिथिलांचल के चर्चित शिक्षाविद तथा समता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी के 89वीं जयंती पर हायाघाट प्रखंड के बिशनपुर स्थित उनके पैतृक गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में आयोजित कार्यक्रम में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शशिनाथ झा ने उद्गार व्यक्त किए हैं। स्थानीय समाज सेवी रमेश नारायण चौधरी की अध्यक्षता तथा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभुनाथ झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रवेशिका अर्थात मैट्रिक की परीक्षा में दरभंगा जिला भर में पहला स्थान लाने वाले तथा बेनीपुर एवं हायाघाट विधानसभा में पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया तथा पहले स्थान लाने वाले को 10,000, दूसरे स्थान लाने वाले को 5,000, तीसरे स्थान लाने वाले को 3,000 रुपए के चेक के साथ प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया है। इसके साथ ही कलम भी दिया गया है। इस क्रम में बेनीपुर विधानसभा के पहला स्थान लाने वाली शांति नायक उच्च विद्यालय बहेरी की छात्रा मनीषा कुमारी को उमतारा सम्मान दिया गया। दूसरा स्थान लाने वाले जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा के छात्र अंशुमन कुमार को जगदीश केवल सम्मान तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली शांति नायक उच्च विद्यालय बहेरी की प्रीति कुमारी को राम वचन किशोर सम्मान दिया गया। उसी तरह हायाघाट विधानसभा में पहला स्थान लाने वाले उच्च विद्यालय आनंदपुर की छात्रा शिखा कुमारी को चंद्रकांत नागो सम्मान, दूसरा स्थान लाने वाले उत्कर्मित विद्यालय कोलहंटा पटोरी के आदर्श कुमार गुप्ता को बिंदेश्वर धीरेन्द्र सम्मान तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले देव नारायण उच्च विद्यालय पंचोब के विशाल कुमार पासवान को कामनी जटा सम्मान तथा जिला टॉपर सोनी कुमारी को दरभंगा शिखर सम्मान से कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, प्रति कुलपति सिद्धार्थ शंकर सिंह, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक डॉक्टर महेश सिंह, फाउंडेशन के संरक्षक विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी सहित विभिन्न अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र चेक देकर उत्साहित किया गया है। छात्र छात्राओं को उत्साहित किया गया है यहाँ पर कुलपति के द्वारा। इस जयंती समारोह में पूरे जिला से, बाहर से भी लोग आए। जयंती समारोह में जदयू दलित प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, प्रदेश सचिव प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष एजाज अख्तर खान रूमी, रोमी खान, मनोज कुमार मिश्र, फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार चौधरी, स्थानीय मुखिया राजकुमार चौधरी, राम नरेश चौधरी, विनय कुमार चौधरी, घनश्यामपुर चौधरी, अनिल मंडल, फूल कुमार लाल देव, रामचंद्र सहनील, फूल कुमारी, अमित कुमार चंदन, अमन राय, रामशंकर मंडल, मनीष कुमार, कृष्णकांत चौधरी, अवलेश चौधरी, रोशन कुमार, सुमन चौधरी, संजीव कुमार, राम बालक चौधरी, सभी लोग उपस्थित रहे हैं। इस बीच कार्यक्रम के एक छोटे से बच्चे ने प्रोफेसर विनय चौधरी विधायक को एक आवेदन भी दिया है और उन्होंने अपने घर में एक छोटे से नौकरी देने के लिए उनसे आग्रह किया है। यह है दीपक झा, जो यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देख सकते हैं यह सभी बच्चे कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। सभी लोगों का शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। सभी लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि इस पूरे कवरेज को सभी लोगों तक दिखाया जा सके। अब देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित हैं। यहाँ क्या गया है, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? यहाँ पे स्वर्गीय उमाकांत जी के जयंती समारोह पर हम लोगों को बुलाया गया था, उसी पर हम लोगों को सम्मानित किया गया है। अच्छा,
आप क्या किए थे सो? हम जो है ना मतलब दरभंगा के जो इंटर एग्जाम हुआ था उसमें हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। मेरा नाम सोनी कुमारी है, हम प्लस टू एस एन हाई स्कूल से। कौन से कहाँ से? एस एन हाई स्कूल बहरी से। अच्छा, तो आप टॉपर थे। तो आज यहाँ पर क्या क्या दिया गया आपको? आज हमको यहाँ पे मतलब कलम दिया गया और 10,000 का चेक दिया गया। चेक दिया गया है। कितनी खुश हैं इस मिलने से, पुरस्कार मिलने से? हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। इसका श्रेय किसको देते हैं? किसी सफलता का। हाँ, सफलता का। हम अपने पापा को देते हैं। क्या नाम है पापा का? सुशील कुमार। गाँव आ गया है, क्या कहना चाहते? मैं राजकुमार दास, प्लस टू शांति नायक उच्च विद्यालय बहेरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे विद्यालय के जो बच्चे इस बार जिला इंटर में जिला टॉपर थे और मैट्रिक में भी दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर थे, इसमें सबसे पहले मैं अपने शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि कि इस बार और थोड़ा इन लोगों को तो हम मेरा उम्मीद था कि लोग बिहार लेवल में आते, लेकिन कोरोना के समय में थोड़ा इन लोगों की पढ़ाई कम हुई थी। मेरे विद्यालय में जो शिक्षक लोग सब हैं, जैसे कि गणित के ललित कुमार ठाकुर बहुत योग्य व्यक्ति हैं, साइंस बायो मैं राजकुमार दास खुद हूँ, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है अमरनाथ बाबू, ये सब बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, आने वाले दिन में भी उम्मीद करते हैं कि मेरे यहाँ के, चाहे वो प्लस टू इंटर में हो चाहे माध्यमिक में हो, बच्चे इस तरह से टॉप करते ही रहेंगे। आज कितने बच्चे को मिला है पुरस्कार? आज मेरे विद्यालय के 3 बच्चे को पुरस्कार मिली। क्या क्या नाम है उस बच्चे का? पहल फर्स्ट जो इंटर में बच्चे हैं उनकी सोनी कुमारी है, टॉपर थी वो। दूसरा जो माध्यमिक में है सेकंड टॉपर है वो है मनीषा कुमारी, और तीसरी बच्ची जो है थर्ड में थी वो है प्रीति कुमारी। तो आज कहाँ पर पुरस्कार मिला है आपको? आज प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर में हमारे बेनीपुर के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी, उनके पिताजी के पुण्यतिथि जन्म नवासीमा जन्म समारोह के उपलक्ष में जो प्रति वर्ष ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार दास हैं, माला अर्पण किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं माँ बाबू को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो मेरा सौभाग्य है जो इनके पुण्यतिथि पर माला अर्पण करने का मौका मिला। इनके जीवन से क्या सीखने को मिला है आपको? इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनके जीवन संघर्ष जीवन थे, समाज सेवी थे। इन्हीं के जीवन से शिक्षा, समाज सुधार, महिलाओं को शिक्षावन से शिक्षा और महिला के प्रति सम्मान का सीख मिलती है। आपका नाम क्या हुआ पूरा? संतोष कुमार यादव। कौन है? प्रखंड प्रमुख हनुमान नगर। कौन कौन आए थे आपके साथ अभी? शशि जी हुए प्रखंड अध्यक्ष, उमेश जी हुए, महेश जी हुए, और रिपू मंडल जी हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र मोहन हमारा बगल में बैसल छा मित्र थे, कल आज धूप है सारा दे ऋतु है, आई बसंत से ठेले आई भगवान के पास सूर्य जे आई महामानव के महा समारोह में आज को 4 चांद लगे ले। तो हम बुझे छी जे आई 9 वर्ष और समय हमारे बसंत के ऋतु आ हमार मातृक समस्त मिथिलावासी के तरफ से हम अहाँ के स्वागत करे छी, नमस्कार करे छी, प्रणाम करे छी। हमार आदरणीय मैं आज सुनने कर रहे जनता अहाँ के चूनी मांग कहते संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति है, प्रति कुलपति है, बड़ा बड़ा हवा आवेल छे कि एक पाई ओकर बनवे था, लेकिन हम दावा के साथ कह सकते छी कि हिंका उतने पाई लगल रहन कि जे पटना के इंटरव्यू दे आ गेल छलै, ते इंटरव्यू में जते खर्चा भार लगल छलै एतके खर्चा हो गई संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बनले आ प्रति कुलपति बनले। कई ईमानदार के ककरो स्थान नहीं छे, बात नहीं छे, अहाँ ईमानदार जिनके देखियो
हम तो दावा के साथ तो नहीं कह रहे थे, हम दावा के साथ तो ना पूछा थे कि हिंसा एक उपाय नहीं लागल थे। पूरा राज्य में एक उपाय बना देने कुलपति बैठ करके आया थे और खास के साथ काज करे थे। हम उनका संस्कृत में उनका सिंडिकेट में उनका सिंडिकेट में कैबिनेट हुई थी, हम सदस्य हैं और हम पूरा सहयोग लिए, पूरा सम्मान नहीं छियन क्या कि ईमानदार थे। ईमानदार के सम्मान भेटते थे। आई नीतीश कुमार एहन व्यक्ति जो है 5, 10, 15, 20 ऐसे चुनाव जीत चुके थे और बिहार में वो उनका कोई विकल्प नहीं था, जतना रहता सरकार उतने बनते। आई दुआरे कि उनका जो भीषण जो है जिनके कारण आई यहां हाई स्कूल परिसर देख रहा थी उनके कारण बन गए एक प्राइमरी में जमीन उपलब्ध करने चलते। और सरकार बोले हम आग्रह सब ग्रामीण के कहानी है गरीब से गरीब आदमी है स्वेच्छा से जमीन बोतो अपने ही स्कूल बन गए दूध आ तीन मूल बलासियो हो दान गए और बहुत एहन है जान और दे वाला है तखन हमारा आगे किसी आप पाले हम के लिए वो भी तैयार है दान देने के लिए आने साथ आप कटाए में दान दे वाला है। तो जब तक आना चल रहे तब तक रास्ता आने के बेटे चलो आई का अब तो कमी नहीं आ रही है। ये कहीं मिली भी स्कूल के भवन बना ले हाई स्कूल के भवन बन रहा है कहीं समय लग रहा है लेकिन बन जाते हमारा भरोसा है। आपने सबसे आग्रह कि भ्रष्टाचार में कखनो नहीं जीत करो और कम से कम जनप्रतिनिधि से निश्चित रूप से हम तो शपथ लेने कि हम भ्रष्टाचार नहीं करें। बाबू जी के कहना है जन के झूठ और घूस से दूर रहना है तो हम सब भी तो हम उनका जन्मदिन हो या पुण्यतिथि के दिन हो हम फिर से शपथ खाए थी कि झूठ और घूस से हम दुनिया आदमी थी से हम आग्रह रखें। मैं बाबू जी के ये सोच रहे हैं उनका संदोष से बेटी नहीं बेलन जब भगवान की कृपा है लेकिन वो बेटी है चाहे वो बेटा तो का इंतजार करे तो उनका लड़की है कितने प्रेम रहे और तुम्हें के नीतीश कुमार जी बाबू जी की जो सपना रहे आदि आबादी लड़की के सम्मान के बढ़े रहे उन्हें के नीतीश कुमार जी आई आदि आबादी के आगू बढ़ा रहा है। देखियो कि आज जिला चौक पर हमारा सबके बीच में एक लड़की है क्या आग्रह है कि लड़का के तो पढ़ोसी से पढ़े करियो लेकिन लड़कियों के पढ़े में आगू बढ़ियो स्कूल भेजियो। सबसे दुखद की स्थिति की अभिभावक स्कूल में भेजी थे अकाल की स्कूल में पढ़ाई नहीं थी हम उल्टा कहे थे विद्यार्थी एक तरह शिक्षा के परवाह करते हम विद्यार्थी नहीं एक तरह तो शिक्षक बहाना बना दी थी तो शिक्षकों सबसे अपील करी थी कि दू एगो विद्यार्थी आ गए आई बाबू जी के प्रतिष्ठा है शिक्षाविद हैं एज ए शिक्षक हैं हम उनका संगे चुनाव में घूमित रही एक वर्ग रह के कि उस समय में वोट नहीं देते रहे लेकिन मिलन कॉलेज के अल्पसंख्यक कॉलेज के टीचर रहते हम देखते रहिए कि केना अल्पसंख्यक छात्र वोट दे रहे नहीं कर लेकिन उनका साथ में दू दू सर सर आए हैं सर आए सर आए अगर आप पढ़ेगा शिक्षक सबसे अपील करी छे तो विद्यार्थी अहां के जब तक हेतु अहां के पैर छू पर बोलवा यह शिक्षक के ही सम्मान छे यहाँ के जब्पा जो भी यहाँ के दस बीस आदमी लेकिन वही है प्रयास करो पड़ा शिक्षकों से अच्छा अपील है कि दूर को विद्यार्थी आ गए अहां का पढ़िए नहीं इंतजार करियो कि चाहे वो विद्यार्थी आ गए या कब विद्यार्थी आ गए उन्होंने अभिभावक की मीटिंग कर रही है
जो अहमदाबाद के विद्यार्थी नहीं आवे छोटा से फोन कर बात करियो ताकि अहम के विद्यार्थी किया नहीं आवे जैसे काम करे था जी बताएं कि आज आपको यहाँ पुरस्कार दिया गया है, क्यों दिया गया पुरस्कार? मैंने सबसे ज्यादा अपने इस विद्यालय में अंक प्राप्त किया है 92.8%। कौन से क्लास में? 10th में। अच्छा, कौन से विद्यालय का नाम क्या है आपका? प्लस टू जैनंद हाई स्कूल बहेरा। अच्छा, बेनीपुर से। अच्छा, कहाँ पर पुरस्कार मिला है आपको? बिशनपुर गांव में। अच्छा, ये बताएं कि पुरस्कार में क्या क्या मिला है आपको? पुरस्कार में एक पेन, एक सर्टिफिकेट और 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पुरस्कार मिलने से खुश हैं? इसका श्रेय किसको देंगे? श्रेय अपने टीचर और परिवार को। परिवार को देंगे। आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग की तैयारी। क्या नाम है पूरा? अंशुमान कुमार। पिताजी का? श्री हीरा ठाकुर। गांव? डकराम। इस तरह कार्यक्रम लगातार हुए और दिन रात लागल रहे छे। विनय भाई जी, हम देखित रहे छे एक कोरोना काल में से हो बेनीपुर में हॉस्पिटल से लेकर आ समाज के बीच में जायत रहले अखनो वो बड़ी तत्परता देखित रहे छे। आई कार्यक्रम से जहां एक तरफ वो बच्चा के मनोबल बढ़ते, वो बच्चा आन बच्चा का प्रेरणा स्रोत होते, संगे संग इलाका में अ तरह गतिविधि होते रहे तो शिक्षा के माहौल बनते रहते, तैं अ तरह कार्यक्रम होते रहे। और हमरा सब चाहब उमा राजू नहीं रहला, लेकिन हुनकर जे कहल गेले शिक्षा और समाज के क्षेत्र में हमरा कम से कम व्यक्तिगत रूप से हम जहन अवे छियन तम क्षमा चाहत रहे छियन। अ संत के विरुद्ध हमरा सब जै समय जै पार्टी में रहिए ठीक विपरीत आचरण के व्यक्ति के हम सब संग देख रहिए, जकर कोनो तरह तुलना नहीं भ सके छन। आकाश और पताल के जे अंतर है छे से अंतर छले। तै ले जो एतो अवे छी तो मन में उ दिन जो मन पड़ी है हृदय समेत रही है, तैं द्वारे हम बारंबार हिनका से क्षमा मांगे छिये। और वो जे किछ सपना देखने रहथिन कोई काज के गति देमले भाई विनय चौधरी जी आगा आये थे, हमर सबक सहयोग हिनका संग छन। और मुख्यमंत्री जी जे आयल रहथिन उही दिन हमरा सबके ई बातक भाज लाग गेल रहे जे किछ नीक होमय वाला छे। मुख्यमंत्री जी कहने रहथिन जे हमरा विनय चौधरी जी पर भरोसा है। और आज जे तरह से समाज में लागल छथि बेनीपुर के विधायक ने बेनीपुर के सेवक के रूप में ओतय जे काज कर रहल छथि तै से हम हायाघाट के लोग गौरवान्वित छी, गदगद छी कि ओ धरती का अहाँ सेवा कर गेलियै। जे विनय बैजू बाबू जे कहलन ओ मामूली धरती नहीं छे, जतय कहियो हमरा सबक में बीच में जो ब्रह्मचारी जो एमपी भेलै भारत सरकार में मंत्री भेलै ओहि महापुरुष के धरती छे। आ ओहि जगह अहाँ सेवा करय लए गेलियै ऊंचाई के पहुंची शुभकामना। बहुत बहुत उन्हें का बहुत बड़ा प्रेरणा मिला कि उमा बाबू का जो सोच था उस सोच पर हम सबको उतरने का प्रेरणा मिला। और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उनके सोच पर उनका जो विचारधारा था शिक्षा के मामला में हो,
या विकास के मामला में हो या अन्य काज के मामला में, मैं सब प्रयास करूंगा कि उनकी विचारधारा, उनका जो मार्गदर्शन है उस पर निरंतर काम करें और जनता की विशेष सेवा करने का। आपको सम्मानित किया गया था, आपको सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से जिला परिषद है? हाँ, घाट छः बता दूँ से जिला परिषद है। कैसे धन्यवाद देंगे जनता को? जनता को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि जनता मुझे सेवा करने का मौका दिए है। मैं 5 साल जनता के बीच में एकदम निरंतर सेवा करने का काम करूंगा। शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जो भी जनता का हमसे समस्या का जरूरत पड़े। क्या नाम है पूरा आपका? पूरा नाम? मेरा नाम हुआ फूल बाबू लाल। और जो जिला परिषद बनी है? काजल देवी जिला परिषद। जिनका माला नहीं हुआ तो फूलो चढ़ा सके छी। हम कराची दहना गेट से निकले चलते सुंदर फोटो लिया। ये पौधा को उगा दे, पौधा उगाने का काम हमारे माँ बाबू ने किया, और यदि उस पौधा को सही वातावरण में पानी खाद बीज यदि हम ढंग से सिंचित नहीं कर पाएंगे वो मुरझा जाएगा। जिसको हम लोगों ने सिंचित पल्लवित पुष्पित करके आया कि हम फल खा सके, और इसका फल हमारे समाज को आज मिला है, बड़ी प्रसन्नता है। और इस बात से मैं गदगद हूं। हम लोग कहीं न कहीं राजनीति से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे बड़े लोगों का कहना है यदि शासन सत्ता पर अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो मूर्खों का शासन हो जाएगा। और इस दिशा में हमारे नीतीश कुमार के जी का जो कार्यक्रम हुआ है, धीरे 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 अब इस ओर आया है कि अब इस पर अच्छे लोग ही आए, इस ओर खास ध्यान है। मंच पर उपस्थित सारे आदरणीय और सभा में उपस्थित शिक्षकों में नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बेटियों का सवाल है और समाज का सवाल है, एक लड़की अगर पढ़ती है, एक बेटी पढ़ती है तो वो घर में सुशिक्षित हो जाते हैं। एक अपना है, यह जो परंपरा चली है और इस परंपरा में हमारे गुरु बाबू और उनके पिताजी का जो योगदान रहा है वह आदरणीय रहा है। और आज की इस कार्यक्रम के द्वारा जो कार्यक्रम होता है, इन कार्यक्रमों के द्वारा इस संदेश लोगों के बीच में दिया है और इस संदेश को हम बहुत करें, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो गुरु बाबू ने कराया है इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साधुवाद। छात्र छात्राओं से मैं उनकी बेहतरी की कामना करता हूँ
और कोरोना काल में अनुरोध करता हूँ कि वे थोड़ा सुरक्षित रह के अपने मन से अपने घर पर ही अध्ययन करें। धन्यवाद। स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी के नवासीमा जन्म दिवस के अवसर पर एतो उपस्थित अभिभावक के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, एतो उपस्थित मिथिलांचल के जनजन के नेता आदरणीय भैया चौधरी भैजू बाबू जी, एतो उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राम प्रवेश भाई जी, दरभंगा जिला के जनता दल यू के जिला अध्यक्ष आदरणीय सर बेजीपुर के माननीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी, दरभंगा जिला के कोना कोना से आयल सब हमर अतिथिगण, एतो मिर्जापुर पंचायत में उपस्थित हमर अभिभावकगण, सब गोटे के हम अपना तरफ से और पंचायत के तरफ से स्वागत करै छी। आई हम सब आदमी एतो उपस्थित भेलो हन स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी के जयंती के शुभ अवसर पर अजय भाई जी द्वारा हायाघाट विधानसभा में और बेनीपुर विधानसभा में जे दसवां वर्ग में सबसे ज्यादा मार्क आने तहन दोनों विधानसभा के 1, 2, 3 के जितने भी विद्यार्थी है तो उपस्थित रहो हन सब के अपना तरफ से सम्मानित कर दी। ई हुनकर बहुत बढ़िया पहल से एके हम सब आदमी मिलकर स्वागत करे छी जे ई प्रयास बहुत ही बढ़िया प्रयास है जैसे विद्यार्थी के मनोबल बढ़ते यह कह को हम अपन बात के समाप्त करे छी और सब गोटा के पुनः फिर स्वागत करे छी।